So how do you think जो current government efforts कर रही है, encourage कर रही है religious tourism को और visa policies में जो revision हो रही है, how does the Sikh community particularly see this? खासकर ये जो करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खोलने जा रहा है, इट्स नॉट स्मॉल थिंग. इट्स यू नो इट्स इट्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बिकॉज सिख नेशन वॉज स्ट्रगलिंग फॉर दिस करतारपुर कॉरिडोर फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स, फॉर लास्ट 7 डेकेड्स. और आप जस्ट इमेजिन कि आपको मौका मिलता है कि आप मक्का जाती हैं या मदीना जाती हैं और आपको 4 किलोमीटर पीछे कह दिया जाता है कि दैट्स इट, यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द मक्का, स्टे हियर एंड डू व्हाट एवर यू वांट, यू जस्ट प्रे एंड गो बैक. सो व्हाट वुड बी योर फीलिंग्स, व्हाट वुड बी योर इमोशंस कि मुझे सामने से नज़र आ रहा है कि खाना काबा नज़र आ रहा है, मदीना तो मुनव्वरा के तो रोज़ा रसूल नज़र आ रहा है, बट आपको इतनी इजाज़त नहीं है कि आप आगे आके वहाँ पे अपने होमेज पे कर सकें और आप यू कैन डू योर ओन वर्शिप. सो दैट वॉज द फीलिंग ऑफ सिख कम्युनिटी कि दे आर स्टैंडिंग 4 किलोमीटर अवे ऑन द बॉर्डर एंड दे आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड द पाकिस्तान और टू विजिट द श्राइन. सो नाउ ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर वुड ब्रिंग लॉट्स ऑफ पीस एंड आवर बिलीव इज बिकॉज इट्स स्टार्टेड फ्रॉम करतारपुर साहब और ये गुरु नानक देव जी का वो स्थान है जहाँ पे गुरु साहब आखिरी ज़िंदगी के 18 साल रहे और आज करतारपुर कॉरिडोर खुलने जा रहा है. सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग और इसके खुलने से बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे बुनियाद रखी जा रही है पीस की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो ओपनिंग ऑफ करतारपुर कॉरिडोर वुड बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टूवर्ड्स दैट पीस. सो दिस इज़ आवर बिलीव क्योंकि गुरु नानक देव जी के स्थान से शुरू है. सो करतारपुर कॉरिडोर वुड ब्रिंग पीस अमंग दीज टू नेशन.